वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज के केमिस्ट्री सेशन में शुरुआत करते हैं फिर से सचिन के साथ। पहला क्वेश्चन सचिन पर, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। एकदम खतरनाक जवाब, बहुत बढ़िया। मसाला, एक मसाला जिसको मोर्टार कहते हैं, एक मिश्रण होता है जल, बालू और जिप्सम। जिप्सम, बहुत बढ़िया। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा। हाँ, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जडानो। जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? जर्मन सिल्वर। हाँ, जर्मन सिल्वर एक ऐसा सिल्वर है जिसमें सिल्वर ही नहीं होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। शुष्क सेल जिसको बैटरी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस किनका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का। ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, या अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। हाँ, शुष्क सेल में इसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं विद्युत अपघटक में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानिक और नीलम, ये बहुत आईएएस में पूछा गया 2008 में। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? मानिक और नीलम का ऑप्शन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड टेट्राऑक्साइड, बोरोनाइट्राइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड। एकदम सही, नीलम और मानिक इसी से बनता है। निम्नलिखित धातु युग्मों में किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु या सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, सबसे हल्की धातु लिथियम है। बिल्कुल सही। मोती मुख्य रूप से बना होता है? मोती। कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अंडा का जो ऊपरी परत वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, सब जान लीजिएगा। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? अस्कंदन। बहुत बढ़िया, इसको कॉगुलेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन का क्या नाम है? समृद्ध यूरेनियम। बिल्कुल सही। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्युमिनियम, चांदी, तांबा, लोहा। एल्युमिनियम। निम्न में कौन सीमेंट का प्रमुख संगठक है? चूना पत्थर। बहुत बढ़िया। मोती की रासायनिक संरचना है? अभी जस्ट पूछा गया था। कैल्शियम कार्बोनेट। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्रदान करता है? एस्ट्रोंशियम और बेरियम। बेरियम के कारण हरा रंग पिछले क्लास में हुआ था, एस्ट्रोंशियम के कारण लाल। चलिए, विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में? लोहा। क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम। और पीतल में? तांबा। हाँ, आप पूछते हैं उर्वरक के अंदर में क्या होता है? ठीक है, उर्वरक के अंदर में, उर्वरक के अंदर में, हाँ, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, बहुत बढ़िया। बारूद के अंदर में? पोटेशियम नाइट्रेट। बिल्कुल सही। फोटोग्राफी में? पोटेशियम, और उधर ब्रोमाइड होता है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड। माचिस के अंदर में? माचिस में दिया ना, अच्छा। शुष्क सेल में किसका छड़ होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का छड़ होता है, ठीक है, था राहुल का। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम बता दो। जियोलाइट किसके अंदर में होता है, किस लिए प्रयोग होता है? जियोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट, जल शुद्धि। हाँ, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बढ़िया जवाब, बेहतरीन। इसी प्रकार लगातार मेहनत करते रहो, तरक्की करते रहो। मेरा आशीर्वाद तुम लोग के साथ है। बाकी जो जैसा मेहनत करेगा वो वैसा ही पाएगा, बाकी भगवान जाने। थैंक यू वेरी मच।